अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद आफरी। हमारी आज की रेसिपी है मुहर्रम स्पेशल कूल एंड सूदिंग और सुपर चिल्ड रबड़ी ड्राई फ्रूट शरबत। सबसे पहले हम शरबत की रबड़ी बना के रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम शक्कर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून बादाम। पिस्ता और बादाम को हम मिक्सर में दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे, इसका पाउडर नहीं होना चाहिए, इसे हमें दरदरा पीसना है। हमने एक पैन में आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर लेंगे और दूध को बॉईल होने देंगे। दूध में बॉईल आ चुका है और इस पर मलाई जमने लगी है। अब इस मलाई को हम चम्मच से सेंटर में करते जाएंगे और दूध को 5 मिनट तक पकाने के बाद इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। और मिक्स कर लेंगे और साइड में जो मलाई आती जाएगी, इस मलाई को चम्मच की हेल्प से हम बीच में करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और अगर दूध बॉईल होते हुए ऊपर आता है तो बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो करते जाएंगे। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मलाई को सेंटर में करते जाएंगे। दूध के पूरे प्रोसीजर में हम मलाई को चम्मच से सेंटर में करते जाएंगे और दूध को इतना पकाएंगे कि एक उसका थिक बैटर बन जाए और मलाई जैसे रबड़ी नहीं बन जाती। जब तक रबड़ी बॉईल हो रही है, तब तक हम दूसरी कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध गर्म करने रख देंगे। अब रबड़ी में हमने जो बादाम और पिस्ता दरदरा पीसा था उसे ऐड कर देंगे। उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब रबड़ी गाढ़ी होने लगी है और कढ़ाई का दूध भी बॉईल हो गया है। अब इसमें हम 50 ग्राम शक्कर ऐड कर देंगे और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई में बॉईल आ गया है तो गैस बंद कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे।
रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद में हमें इसे 2 से 3 घंटा फ्रिज में चिल्ड करना है। रबड़ी को भी हमने 2 से 3 घंटा फ्रिज में रख के चिल्ड कर लिया था। रबड़ी हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए। अब हम 2 टेबलस्पून रबड़ी को कढ़ाई वाले दूध में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ पूरी रबड़ी नहीं ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी रबड़ी हमने गार्निशिंग के लिए बचा ली है। इसे अब हम शरबत को सर्व करने के लिए ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे। हमने थोड़ा सा क्रस्ट पिस्ता और बादाम पाउडर बचा लिया था ग्लास को डेकोरेट करने के लिए। अब ग्लासेस के एजेस को दूध से गीला करके बादाम पिस्ते से एजेस को डेकोरेट कर लेंगे। अब ग्लासेस में आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। अब इसमें चिल्ड शरबत ऐड कर देंगे। और जो रबड़ी हमने बचाई थी वो ऐड कर देंगे। और लास्ट में थोड़ा सा रोज सिरप ऐड कर देंगे। रबड़ी और ड्राई फ्रूट का ठंडा और सूदिंग शरबत तैयार है। आप भी इस शरबत को मुहर्रम में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी अगली यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।